नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो मैं आई हूँ बायरिशस वर्ल्ड में एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। हर तरफ पिक्चर परफेक्ट व्यू है, लश ग्रीन माउंटेन है, ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स है, तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और इसके पहले कि हम लोग आज के व्लॉग में आगे बढ़े, मैं आपको देना चाहती हूँ अपने इस ब्यूटीफुल हॉलीडे अपार्टमेंट का एक टूर। तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये काफ़ी कंफर्टेबल था एंड बहुत ही ब्यूटीफुल भी है, बच्चों को बहुत मज़ा आया यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले ये है हमारा बेडरूम और यहाँ पर मुझे इनका जो भी फर्नीचर है वो बड़ा अट्रैक्टिव लगा, बड़ा एंटीक सा लुक था। ये हमारे बच्चों के लिए रूम है जहाँ पे दो सिंगल बेड लगे हुए हैं। यहाँ पर भी सेम अलमीरा है और ये एक छोटा सा लिविंग रूम है, इसके साथ किचन भी है। तो बड़े अच्छे से इन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है, आप कुकिंग कर सकते हैं एंड बाहर निकल के ये गार्डन स्पेस है, बच्चे फ्रीली यहाँ पर बहुत दौड़े खूब खेले। ये है मेरे रूम के बाहर का व्यू, छोटा सा स्पील प्लाट्स हमारे गार्डन में एंड चारों तरफ ग्रीनरी। इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है रिलैक्स हॉलिडे के लिए। एंड ये है बायरिशस वर्ल्ड के फेरियन बोनुंग। ये हॉलिडे अपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप या तो ग्राउंड फ्लोर पे विद टेरेस एंड गार्डन बुक कर सकते हैं या फिर फर्स्ट फ्लोर बुक कर सकते हैं विद बालकनी, एंड दोनों ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर पास ही में हर अपार्टमेंट की पार्किंग है, आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। ये हमारे अपार्टमेंट का डोर है और यहाँ पर हर अपार्टमेंट का एक नाम इन्होंने दिया हुआ है। ये हमारे अपार्टमेंट का नाम है श्लेहे। श्लेहे श्लेहे, इसका क्या मतलब होता है पुनर्व? मुझे खुद नहीं पता, मैं कैसे बताऊं? मुझे भी नहीं पता है, हम सर्च करके इसका मीनिंग जरूर बताएंगे अपने सब्सक्राइबर्स को ना। हाँ। ओके तो अब टेंपल का बहुत टॉप पे है। ये रहे कुणाल और कनुषी, उसे अब कार में हम लोग बिठाएंगे क्योंकि मंदिर की तरफ अब निकल रहे हैं हम। मंदिर वैसे भी कहाँ है? मंदिर बेटा यहाँ से बहुत पास ही है, देखिए चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है ये एंड कट बनाया। हाँ, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यहाँ आए तो वीकेंड ट्रिप पे ना आए, एटलीस्ट 5-6 डेज के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम बहुत कम दिनों के लिए आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा रुकना चाहिए ताकि आप रिलैक्स हो सकें, यहाँ की ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर सकें। तो मेरे ख्याल में तो वीकेंड ट्रिप बहुत ही छोटा है यहाँ की ब्यूटी को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए। तो जब भी आप यहाँ आने के लिए प्लान करें तो मेक श्योर कि आप मिनिमम 5 डेज का ट्रिप ज़रूर प्लान करें। एंड ये अपार्टमेंट्स बहुत रीज़नेबल भी लगे मुझे, बहुत मजा आ रहा है। आपको बहुत मजा आ रहा है? हाँ। अब आपको घर की याद आ रही है क्या? नहीं नहीं, यहीं रहना है। हाँ। ओके। अरे कुणाल, मेरा जैकेट इसी में है ना, वो लोग आ गए क्या? हाँ चलो। अच्छा एक हाँ, मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। ये छोटे छोटे ब्रिज बनाए हुए हैं और ये जो ये आवाज सुन रहे हैं आप, इस पानी की आवाज मुझे अपने रूम में भी आ रही थी। और छोटा सा वाटरफॉल भी है। या एक पूरा पानी वापस जाता है। यस। और फिर वाटर दिखने बंद हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत। बहुत खूबसूरत है। या बहुत। तो हम लोग कार में सब पैक हो गए हैं और निकल रहे हैं टेंपल की तरफ। तो इतने इतने साल हो गए हमें जर्मनी में रहते हुए और कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हमने टेंपल विजिट किया हो। पुनर्व, क्या आप हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ राधे या कृष्णा के लिए आपको कोई भजन या कोई सॉन्ग आता है? मुझे एक सॉन्ग का पार्ट आता, राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो आधे तो लगे आधे आधे तो लगे आधे आधे। आपको कुछ आता है? सेम आता है। सेम सुनाओ। राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा ओ
तो लगे आधे आधे। चलो साथ में गाएं। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। Guys, it was so wonderful to visit this temple, so divine. और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, actually यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो बहुत शोर हो रहा है। और ये मैं भी पहली बार देख रही हूँ कि आपने अगर नई गाड़ी ली है तो आप इस टेम्पल में आ सकते हैं और अपनी गाड़ी की पूजा करवा सकते हैं। जैसे हम हिंदूज कोई भी चीज़ घर में लेकर आते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। हम इनसे बात भी करेंगे और इसके बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगी, ताकि अगर आप इस जगह के आसपास रहते हैं तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पर सरस्वती पूजा अक्षर अभ्यासम भी होता है, आपके बच्चे को स्कूल जाने के पहले भी आप उसे ला सकते हैं, उसका अन्नप्राशन भी होता है। आप यहाँ पे फोन करके डिटेल्स ले सकते हैं। Hey Anubhya and Vihan, how are you? I'm good. Did you like the temple? Yeah. What did you do there? Sitting and singing. Yeah, and Anubhya, you? I did the same. Yeah. What do you like the most? I like the singing. You like the singing part? So, can you say Radhe Krishna to all the subscribers? Radhe Krishna. Okay. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
एनीवेज, तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कार की पूजा हुई है और इतना अच्छा लगा देखकर कि यहाँ पे आप अपनी कार को लेके आ सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। और मेरे सौम्या, मेरे साथ है सौम्या, इनकी ये कार है। तो सौम्या, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग वेरी है ऑस्पिशियस टुडे बिकॉज वी गॉट द कार यस्टरडे एंड वी कार वी बॉट इट हियर फॉर द पूजा टुडे। ओके, आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम स्ट्राउबिंग। ओके, आई एम फ्रॉम स्ट्राउबिंग। तो अगर आप भी नियर बाय किसी भी प्लेस में रहते हैं तो आप इस टेम्पल में आ सकते हैं और अपनी कार को लेके और इनकी तरह कार की पूजा भी करवा सकते हैं। हमने भी देखा एंड एज इफ जैसे हमारी ही फैमिली का कोई ओकेजन हो और हमने बहुत एंजॉय किया। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड मुझे बहुत अच्छा लगा सौम्या से मिलके, शी इज सच अ स्वीट पर्सन। सो थैंक यू सौम्या। थैंक यू सो मच। तो हम लोग जा रहे हैं अब घर वापस। बहुत ही अच्छा दिन बीता इस्कॉन टेम्पल में। आरती के दौरान जब हरे रामा हरे कृष्णा हम लोग चैंट कर रहे थे तो बिल्कुल इंडिया की याद आ गई और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया और पुनर्व और अनुव्या ने दोनों ने साथ में चैंटिंग की तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुव्या, आप लोग दिखाओगे कैसे आप लोगों ने चैंटिंग की वहाँ पर? हाँ बोलो। मैं वहाँ गा के क्या था? हाँ, पर अब मैं बोलूंगा। अच्छा बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। वेरी नाइस। मैं आपको बताऊं कैसा है? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे। तो बस कुछ इसी तरीके से हरे कृष्णा हरे रामा चैंट करते हुए हमारा दिन आज व्यतीत हुआ और इतना सुकून लग रहा है मन को, इतना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग अब अपने होटल जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और उसके बाद शाम को हम संध्या आरती के लिए यहाँ फिर से आएंगे और मैंने सुना है कि उसमें भी बहुत रंग जमता है तो आपको भी मैं अपने साथ लेकर चलूंगी। तो बस हरे कृष्णा कहते हुए मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए और अब हम मिलेंगे संध्या आरती में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए। अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।